हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है अनिश्चित एक्सप्लोरर में। आज हम लेके आए हैं लॉग एक ऐसे मॉल का जो कि है डोंबिवली में। डोंबिवली कह सकते हैं या आप कह सकते हैं कि ये कल्याणशील फाटा रोड पे हाईवे पे पड़ता है, जो कि है लोधा का लोधा पलावा या आप कह सकते हो एक्सपीरिया मॉल। ये इस एरिया का काफ़ी अच्छा एक काफ़ी बड़ा मॉल है। इसमें मॉल में हम दिखाएंगे अभी आपको, जो अगर आप किसी भी मॉल में जाते हो तो आपको डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स आपको मिल जाते हैं। हर एक ब्रांड के अलग अलग स्टोर्स रहते हैं, बट एक जब मॉल में हम एंटर करते हैं, जो एक मॉल में एक कन्फाइंड फीलिंग कभी कभी होती है, वो आपको इस मॉल में नहीं होगी। ये मॉल एक्सपीरिया मॉल काफ़ी खुला खुला सा है। इसमें आपको एक स्पेस ज़्यादा दिखती है, यहाँ पे बच्चों की कुछ एक्टिविटीज़ तो हैं ही, जो एक एंट्रेंस लेवल कह सकते हैं या आप ग्राउंड लेवल कह सकते हैं। जैसे कि हम एक जस्ट यहाँ से अभी मॉल का वॉक अराउंड चालू करेंगे, यहाँ पे आपको कुछ ब्रांड्स भी दिखा देंगे यहाँ पे कौन से ब्रांड्स हैं, और साथ में आपको जो एक मोस्ट अवेटेड रहता है बच्चों के लिए हम मॉल जाते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अनिश हमारे साथ ही हैं। तो जब बच्चों के साथ जाते हैं, बच्चों के दो टारगेट रहते हैं मॉल में जाने के साथ। एक रहता है प्ले एरिया, जहाँ पे उनका प्ले जोन रहता है कि आपको सब इलेक्ट्रॉनिक गेम्स आएंगी जो कि इस मॉल में है, वो है टाइम जोन। हम आपको थोड़े ही समय में वहां पे भी लेके जाएंगे, जो कि है टॉप फ्लोर पे। ये देखिए यहाँ पे आपको स्टारबक्स भी है। चलिए हम जाएंगे अभी एक लेवल अप। वाओ, ये देखिए पैंडा, आपको ये पैंडा राइड भी है। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, अगर उनको एक इंजॉय करना है, तो ये पैंडा राइड भी कर सकते हैं। राइड्स यहाँ पे और सारी बहुत हैं, जो मैं आपको बाद में भी दिखा लूँगा कुछ राइड्स, क्योंकि पैंडा ट्रेन हो गई, वहाँ पे एक नॉर्मल ट्रेन भी है। फ्रेंड्स, आपको सब मिलेंगे यहाँ पे शॉपिंग के लिए, जो मुझे पता है कि बहुत लोग एक वेट करते हैं, जो एक पर्टिकुलर सीजन में वहाँ पे कुछ डिस्काउंट्स आते हैं हर एक अलग अलग मॉल में, तो यहाँ पे भी वो आपको आए दिन देखने को मिलता है। आप देख पा रहे हैं मैक्स जूडियो, ये देखिए पैंडा ट्रेन। जैसे कि मैंने कहा आपसे कि ये मॉल दूसरे मॉल से कुछ ज़्यादा ही स्पेशियस है। यहाँ पे आपको एक कन्फाइंड नहीं मिलता, यहाँ पे एक जगह ये भी एक असाइन की हुई है जहाँ पे जस्ट फ्ली है, मतलब फ्ली मार्केट के जैसे भी वो वहाँ पे सेटअप करते हैं। एंड लेट जस्ट गो अप एंड सी व्हाट दे हैव टू ऑफर ऑन अनदर लेवल। आपको ट्रेंड्स हो गया, रिलायंस हो गया, आपको सब जो भी नॉन ब्रांड्स हैं, आपको सब इस मॉल में अवेलेबल हैं। और अनिश की आप एक्साइटमेंट देख पा रहे हो, इसको एक ही चीज़ पे जाना है, विच इज़ लेवल 3। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इसके लिए दो चीज़ें हैं, वो हम आपको अभी कुछ ही समय में दिखा देंगे। चलिए आपको थोड़ा सा मॉल का एक फील भी दिखा देते हैं, मॉल की फील कैसी है। जनरली ऐसे मॉल्स में आपको वीकेंड्स पे काफ़ी भीड़ मिलती है। ज़्यादातर भीड़ जो आप देखते हो वो मोस्टली एक लेवल 3 पे ही दिखती है, क्योंकि वहाँ पर ही सब फैमिलीज बच्चों के साथ एक इंजॉयमेंट में आ जाते हैं। क्योंकि हम लोग ज़्यादा मॉल जाते हैं अनलेस इफ़ यू वांट टू गो कि आप एक जाके एक इवनिंग स्पेंड करना चाहते हो कुछ खाने के हिसाब से, जस्ट एक डिफरेंट आपको यू नो एक फूड कोर्ट में कुछ ट्राई करना है, या तो एक बच्चों के लिए। यहाँ पे मिस्टर DIY का भी है, काफी अच्छा इनका लोकेशन है, वहां पे काफी बड़ा है। देन पे लेस,
तो चलिए अभी हम जाएंगे लेवल 3 पे। आप उसकी एक्साइटमेंट देख पा रहे हैं अनीश की, क्यों लेवल 3, क्योंकि ये मॉल में काफी बार आ चुका है और इस बार डिसाइड किया कि व्हाई नॉट कि हम इस मॉल का आप सबके साथ भी शेयर करें। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे जो कि है बच्चों की जर्नी, वो है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे है टाइम जोन प्ले। और इसका ये जो आप यूनिट देख रहे हो ये है टाइम जोन प्ले। यहाँ पे बच्चे आते हैं, यहाँ पे कुछ आपको अवर्ली बेसिस पे भी कर सकते हो या तो आप वहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो कि आपको बच्चे को कैसे एनरोल करना है अवर्ली 2 आवर्स, क्योंकि वो बच्चे उस जब एरिया में जाते हैं आप देख पा रहे हैं ये प्ले जोन एरिया, वहाँ पे बच्चे इतना एंजॉय करते हैं कि उनको 1-2 घंटा भी एक्चुअली कम पड़ जाता है। इट्स जस्ट अ फन एरिया, आई मीन इट्स बियॉन्ड वर्ड्स। वो बॉल्स के साथ खेल सकते हैं, कलरफुल स्लाइड्स हैं अंदर, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो कि हम एक्चुअली अंदर जाके कवर नहीं कर पा रहे हैं, बट डेफिनेटली किड्स लव इट, बच्चों को बहुत मजा आता है। आप ये देख पा रहे हैं ये है पीवीआर सिनेमास का भी यहाँ पे है। और इसके बाद हम डायरेक्टली जाएंगे अभी टाइम जोन जो कि है इलेक्ट्रॉनिक्स गेम वाला, तो लेट्स गो। There you go. जैसे कि आप देख पा रहे हैं टाइम जोन, दिस इज द एरिया। अनीश आता ही यहाँ पे, हमारा बच्चा आता ही यहाँ पे, सिर्फ यहाँ लेवल 3 पे चलो, मतलब वो जब हम मॉल एंट्री करते हैं उसको एक ही रहता है लेवल 3 पे चलो। बेसिकली वो मॉल लेके ही वही आता है कि मॉल सेलेक्ट करता है ये वाले मॉल में चलो ये वाले मॉल में, क्योंकि उसकी जो टारगेट एरिया है वो ये है। यहाँ का टाइम जोन का जो गेम जोन बनाया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया है, इसमें बहुत सारी गेम्स हैं, कुछ राइड्स हैं, आपको मैं कुछ ओवरव्यू दिखा देता हूँ। बहुत सारी गेम्स हैं, बॉलिंग है एंड काफ़ी स्पेशियस बॉलिंग बनाया हुआ है, तो एक प्ले एरिया बहुत अच्छी मिलती है बॉलिंग के हिसाब से भी। अगर आप बॉलिंग लवर हो दिस इज द प्लेस, एंड देन यू हैव ऑल दीज डिफरेंट गेम्स। आपको जाके एक बार कार्ड लेना है वहाँ पे, बाकी उस समय कार्ड पे लोड का जो रहता है, कार्ड में हम जो पैसे डालते हैं वो स्कीम्स टाइम टू टाइम चेंज होते रहती है, बट वहाँ पे आपको एक रिसेप्शन एरिया दी हुई है गेम जोन की, जहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हो आपको कितने का कार्ड मिल रहा है और उस पर आपको कितना टॉपअप मिलता है। और हर एक गेम पे जब आप जाते हो तो आपको गेम के यहाँ पे कार्ड स्कैन करना है, तो आपको दिखाता है कि वो पर्टिकुलर गेम की चार्ज कितनी है, और आपको कार्ड टैप करोगे और आपके कार्ड में से वो पैसे कट जाएंगे, एंड देन यू विल बी आप वो पर्टिकुलर गेम खेल सकते हो। क्योंकि आप देख पा रहे हो यहाँ पे कुछ बाइक की गेम्स हैं, कार की गेम्स हैं, अनबिलीवेबल। यहाँ पे बच्चा जाता है तो बिलीव मी वो 2-3 घंटे तो यहाँ से बाहर आने की सोचता ही नहीं है। ये वाली जो काउंटर दिखाई हमने वो थी रिसेप्शन एरिया। और जो आपको टिकट्स मिलती हैं, कोई कोई गेम्स में टिकट्स नहीं भी होती हैं बट मेजॉरिटी गेम्स में टिकट्स हैं, तो आपको टिकट्स कलेक्ट करने हैं, एंड में आपको अपने कार्ड पे वो टिकट्स लोड करनी है, फिर जो आपको रिसेप्शन एरिया दिखाई है वहीं से जाके आपको प्राइसेस कलेक्ट करनी है। अगर आपने एक नंबर ऑफ टिकट्स जमा किए हैं, 100 टिकट्स पे ये कुछ होगा, 400 टिकट्स पे ये कुछ ये प्राइस होगी, 1000 टिकट्स पे कुछ प्राइस बढ़ी होगी, तो ऐसे उसमें फ़र्क आपको मिलेगा। बट वो क्लेम आपको वही एरिया से करना है जहाँ पर वो प्राइजेस लिखा हुआ था या गेम जोन का रिसेप्शन एरिया पे। बच्चे लव दिस प्लेस। ये देखिए कुछ इस तरह से आपको कार्ड टैप करना है, फिर आप उसमें कोई भी जम जो पर्टिकुलर गेम रहेगी आपको उसको प्ले करना है। ये वाली है स्पिन एंड विन, इसमें एक्चुअली आपको टिकट्स मिलती हैं। लेट्स सी इफ वी हैव लक टुडे। सी फिर आपको ऐसे करके मतलब अलग अलग गेम्स में आपको खेलने हैं। अगेन जैसे कि मैंने आपको फिर से दिखाया आपको कार्ड कैसे टैप करना है, कार्ड टैप करना है, देन योर गेम स्टार्ट्स। एंड हर एक गेम पे आपको वहाँ पे एक स्टिकर लगा रहेगा कि आपको वो गेम कैसे खेलनी है,
कुछ इस तरीके से, हाउ टू प्ले, हर एक गेम का आपको डिटेल्स दिया हुआ है। ये देखिए आपकी कुछ ऐसे टिकट्स निकलती हैं, तो इन टिकट्स को जब भी आप जाओगे एट दी एंड, आपको अपने कार्ड पे ही उनको लोड करना है। वो भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर दूंगा कुछ ही देर में। ये देखिए इस पे भी जो मार्क्स हैं उन पे टिकट्स हैं, अलग अलग टिकट्स आती हैं। ये वाली गेम तो फन है, आई मीन किड्स जस्ट लव दिस गेम। आपके ऊपर बॉल्स गिरते हैं, उन बॉल्स को आपको उस होल पर्टिकुलर होल में डालना है, एंड देन आपको जितने आपने बॉल्स उसमें डाले उतने आपको टिकट्स वहां से इशू होते हैं। एंड ये हैं बोनस टिकट्स। अगर आप ये वाली गेम खेलने के लिए भी आपको उतने ही पैसे लगते हैं, बट अगर इसमें आप जीतते हो तो आपको एंड नंबर ऑफ टिकट्स जीत सकते हो। ये वाली मशीन्स हैं जहां पे आप, मतलब आपको टिकट्स को एक्चुअली लोड करना है फर्स्ट, देन आपको अपना कार्ड टच करोगे तो आपके कार्ड में वो सब लोड हो जाएंगी, फिर आप वो कार्ड लेके जाके वहां से प्राइजेस क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हैं, आपको KFC हो गया, पिज्ज़ा हट हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया, सबवे हो गया, ऐसे बहुत सारे अर्बन तरका भी है यहाँ पे, पॉपटेज भी हैं, ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स आपको ऊपर फूड कोर्ट एरिया में अवेलेबल हैं। और हमने बहुत सारे मॉल्स विजिट किए हैं, हम जाते ही रहते हैं कुछ अलग अलग मॉल्स में, कुछ अलग अलग सिटीज़ में, बट ये वाला पर्टिकुलर जो मॉल है इसका जो डाइनिंग एरिया दिया हुआ है, जो जब भी आप इस मॉल में विजिट करते हो तो यहाँ पे जो एक स्पेस दी हुई है बहुत ही प्यारी है दोस्तों। मैं बोलूँगा कि बहुत सारे मॉल्स में हम लोग बॉम्बे सिटी में भी जाते हैं, मुंबई गए हैं, बहुत सारे अलग अलग सिटीज़ में जाते हैं, बट ऐसी आप देख पा रहे हैं ये अलग अलग सेपरेट आपको जगहें दी हुई हैं और वहाँ पे कोचेस हैं प्रॉपर, तो आप जब भी इस जगह पे जाते हो तो यू एक्चुअली एंजॉय प्राइवेसी एंड आप अपना फूड भी एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए ये वाला हो गया, हम बढ़ते हैं कुछ अलग जो मॉल हैज टू ऑफर। मॉल में कुछ ऐसी ट्रेन्स हैं जो बच्चे एंजॉय करते हैं, डेफिनेटली हम मॉल जाते ही बच्चों के साथ हैं, क्योंकि बच्चे ही हमें मॉल लेके जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनकी टारगेट्स यही रहती हैं, राइड्स, गेम्स या कुछ अलग अलग चीज़ें उनको करनी हैं। तो ये है लोधा एक्सपीरिया जो कि है डोंबिवली में। अगर आप इस एरिया के आसपास हो तो डू विजिट, यू विल एंजॉय। चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल।